सो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं और सोडा लाई बोलते हैं. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl. NaCl मींस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल में करते हैं. ओके, इसमें क्या होता है बेटा, देखो जिसको लास्ट क्लास में डाउट था वो यहाँ पर देखो. NaCl जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से फिगर. देखो अभी दिख रहा है ना बेटा इधर पर फिगर, NaCl जो है आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जहां पर मेरा कर्सर दिख रहा है बेटा यहां पर, जो ये कर्सर है बेटा यहां पर आपका NaCl भरा हुआ, ये आपका NaCl है. अलग फिर समझ में आया बेटा, ये जो आपका पार्ट है NaCl है. ओके, ऑलरेडी लिखा है साइड में, ये जो आपका पार्ट यहाँ पर मैंने NaCl फिल किया, और ये आपका कार्बन कैथोड होता है. कार्बन कैथोड जो आपका एनोड की तरह, सॉरी कार्बन रॉड है जो आपका एनोड की तरह काम करता है. कार्बन रॉड है जो आपका एनोड की तरह काम करता है, मींस पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर. समझ में आया चीज, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, जब यहां से हम लोग NaCl डालेंगे, NaCl का जो ब्राइन सॉल्यूशन डालेंगे, तो बेटा उसमें वाटर होगा कि नहीं होगा? वाटर होगा ना. अभी ये वाटर में से जो आपका कैथोड, और कैथोड आपका ये है, ये दिख रहा ना आपका, ये आपका पूरा लाइनिंग है ना बेटा, ये आपका कैथोड है, ये दिख रहा ना, ये चीज दिख रहा ना डॉटेड डॉटेड, मतलब पीसी प्रसाद, ये जो आपका कैथोड है ये लग रहा नेगेटिव चार्ज, ये आपका कैथोड है. ओके, कैथोड हम क्या यूज करते हैं, पोरस कैथोड यूज करते हैं, मींस जिसमें लाइनिंग होती है. ओके, लाइनिंग मींस अगर यहाँ से आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ये आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो Na पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा डायरेक्टली. ओके, एंड Cl नेगेटिव इस एनोड पर, Cl नेगेटिव आपका क्या बना देगा, Cl2 गैस बना देगा. तो इसी सॉल्यूशन में आपका Cl2 गैस मिलने वाला है. क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया या नहीं? ओके, जो आपका Na पॉजिटिव है वो आपका नीचे चल गया सॉल्यूशन में. अभी फिर जो Na पॉजिटिव नीचे जाएगा, स्क्रीन में देखना ऑल ऑफ यू, स्क्रीन दिख रहा है बेटा सबको, यस सर, स्क्रीन में नेल्सन सेल बना हुआ है. ओके, क्या दिख रहा है बेटा स्क्रीन पर, नेल्सन सेल बना हुआ है ना. यस सर, अभी देखो नेल्सन सेल में हो क्या रहा, बेसिकली यहां से हमने ब्राइन पुट किया, जहां से मेरा अभी देखो प्रोसेस पूरा चल रहा है. मैं यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन डालूंगा, यहाँ पर आपके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जाएंगे, Cl नेगेटिव आपके एनोड की तरफ जाएंगे. ओके, एंड इस सॉल्यूशन से Na पॉजिटिव नीचे आ रहे हैं देखो, और यहाँ से आपने स्टीम पास किया, स्टीम पास किया, तो उस स्टीम से NaOH रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन से आपके OH नेगेटिव आते हैं, उनसे आपका Na पॉजिटिव रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा. समझ में आया बेटा, ये देखो इस तरीके से प्रोसेस क्लियर हुई ना, यहाँ से NaOH इसमें आते हैं, और ये आपका सॉल्यूशन में आपका क्या बन जाता बेटा, NaOH बन जाता. ये आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए. ओके, नाउ अब ये देखो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर NaCl, यहाँ से आपका Na आ रहा है, यहाँ पर आपका NaCl आ रहा है, NaCl से आपके Na यहाँ पर चला गया, यहाँ से आपने स्टीम पास किया. ओके, स्टीम पास किया तो ये आपका H2O यहाँ पर रहता है,
H2O यहाँ पर रहता तो आपका H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये आपका कैथोड की तरफ जाएगा और वो आपका OH नेगेटिव रहेगा। OH नेगेटिव यहीं पर रहेगा इसी सॉल्यूशन में, रहेगा कि नहीं, और इससे कन्वर्ट होकर के H2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये देखो इधर से निकल रही, बाहर निकल रही ना H2 गैस बाहर, Cl2 यहाँ से निकल रही है। तो अभी इस सॉल्यूशन में आपके क्या रह जाएंगे, OH नेगेटिव रह जाएंगे और ऊपर से आ रहे हैं आपके Na, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपका NaOH बना लेगा। समझ में आया बेटा, हमने लिखा था इन दिस प्रोसेस आपको क्लोरीन सेपरेट रखना है फ्रॉम द सोडियम, सोडियम से जो आप क्लोरीन should not comes out in the contact of NaOH, NaOH के कॉन्टेक्ट में आपको क्लोरीन को नहीं लाना है, अदरवाइज ये रिएक्शन हो जाएगी आपका, फिर NaOH नहीं रहेगा। क्लियर है? तो ये प्रोसेस हो गया। नाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एनोड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आइदर बाय यूजिंग पोरस डायफ्राम और बाय यूजिंग मरकरी कैथोड, मरकरी कैथोड से भी यूज कर सकते हैं। नाउ मरकरी कैथोड वाला सेकंड प्रोसेस है, जो सेकंड प्रोसेस है उसको मैं अभी बताता हूं आपको। ओके, ये क्लियर हुआ इधर पर, ये फिगर क्लियर हुआ ऑल ऑफ यू, फिगर क्लियर हुआ ना? Now, अभी देखो ये प्रोसेस आपका अल्टीमेटली क्लियर हुआ, सेकंड प्रोसेस है आपका, उस प्रोसेस को देखो बेटा। सेकंड प्रोसेस का नाम है आपका कास्टनर, केल्डन सेल। देखो इसको हम लोग एक नेम और है बेटा इसको, इसको हम बोलते हैं सॉल्वे केल्डन सेल, सॉल्वे केल्डन। ओके, समझ में आया? नाउ अभी क्या होता बेटा, इन दिस प्रोसेस में आपके कैथोड होता है और एनोड होता है। बेसिकली आपको क्या करना है बेटा, वही NaCl ही पुट करना है। अभी NaCl आपने पुट किया, लेट से NaCl पुट करेंगे तो आपका कैथोड पर क्या बनने वाला है बेटा, कैथोड आपका होता है Hg का। इन दिस प्रोसेस आपका कैथोड आपका Hg का बना रहता है। ओके, नाउ Hg का कैथोड रहता है तो सोडियम जो होगा आपका, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आपका Na में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड Na बिकम, फिर Na और Hg, Na प्लस Hg रिएक्शन करके NaG बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नाम सुना कभी अमलगम का? हाँ। नहीं सुना? हाँ। सोडियम अमलगम बनाता है, जो भी मेटल्स आपकी अगर मरकरी आपके साथ रिएक्शन करती है तो मेटल अमलगम बनाती है। ओके, ना यहाँ पर क्या होता बेटा, क्यों हुआ ये, बिकॉज ये ऐसा क्यों हुआ, देखो Na हैज मोर टेंडेंसी फॉर्म रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Hg, Na पॉजिटिव, जो आपका Na पॉजिटिव हैज टेंडेंसी फॉर रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Hg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपको देखो रिडक्शन पोटेंशियल Hg का ज्यादा होता है और Na का रिडक्शन पोटेंशियल आपका कम होता है। समझ में आया बेटा? यहां हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि Na आयंस हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल बेटा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, Na आयंस हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल देन सोडियम, सॉरी Hg। आपने देखा होगा अभी मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया आपको, याद करो लिथियम का कितना होता प्लस समथिंग 3.05 होता था, सोडियम का प्लस 2.7 समथिंग, 7172 समथिंग था, ये याद है या नहीं है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये जब नीचे जाते हो आप लोग
लिथियम सोडियम पोटेशियम जो नीचे जाते हैं हम लोग, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का हम लोग एज जीरो मानते हैं, ओके, एंड नीचे जाने पर ये चीज आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव होने लगता है फॉर नोबल मेटल के लिए। नोबल मेटल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव होने लगता है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन की बात करूंगा तो ये आपका -2.71 सिर्फ साइन चेंज होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका कम होता है, दैट इज वाई सोडियम आपका Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया, ये आपकी हुई कैथोड पर रिएक्शन। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा, एनोड तो सबको पता है ना Cl नेगेटिव है आपका, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा ना। नाउ अभी देखो आपके पास सोडियम अमेलगम है, NaHg वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, आपका क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा प्लस H2 गैस प्लस Hg आपका सेपरेट हो गया, तो यहाँ पर 2Na कर लेते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ओके। तो ये हमको सेपरेट करना पड़ता है, ये आपका फाइनल रिएक्शन होती है, सोडियम अमेलगम वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH बना लेगा जो आपका सॉल्यूशन में नीचे रहेगा, H2 गैस ऊपर उड़ जाएगी, जो Hg बचेगा वो फिर से आपका कैथोड में चल जाएगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू, ये दोनों प्रोसेस है, इन ये दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेकंड प्रोसेस में आपका Hg होता है, फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग Hg नहीं लेते हैं, Hg यूज कर सकते हैं बट हम लोग Hg नहीं लेते हैं, क्लियर है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज NaOH की, पढ़े क्या आपने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, NaOH डेलिक्वेसेंट इन नेचर होता ना बेटा, इन नेचर, ओके, एंड कन्वर्ट लिक्विड, कन्वर्ट लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपका NaCl सॉल्ट होता है ना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड में थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला टाइप हो जाता है, उसी टाइप का ही हो जाएगा, समझे। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट एनीबॉडी, हाईली सॉल्युबल इन वॉटर, वॉटर में हाईली सॉल्युबल है, ओके, एंड कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव जानते बेटा क्या होता, यस सर, क्या होता सर, वो रस्टिंग टाइप होता है ना, आयरन का होता है वैसे, कैसा आयन के केस में कैसे रस्टिंग टाइप होता है वैसे इसके लिए कोरोसिव, उस तरीके से नहीं है, कोरोसिव इन नेचर मींस क्या हो जाएगा बेटा, आपकी स्किन को हार्मफुल होगा, अगर आपकी स्किन में पहुंच जाता है तो वो हार्मफुल हो जाएगा, समझे। समझे बेटा, स्किन को हार्मफुल होगा आपका, समझे, लाइक स्किन हो सकता है और जो भी आपके लिविंग टिश्यूज होते हैं उनको हार्मफुल होता है, उसको बोलते हैं कोरोसिव इन नेचर। बेसिकली जो आप बोल रहे हो ना वही आयरन का रस्टिफाइड वही होता है, मींस ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पर, समझे।
यस सर। थर्ड है आपका एब्जॉर्ब CO2, एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर एंड कन्वर्टेड टू कार्बोनेट। ओके, रिएक्शन होगा आपका NaOH+ CO2 Na2CO3+H2। बैलेंस करना है तो यहाँ पर टू लगा दिया, बैलेंस हो गया आपका रिएक्शन। CO2 आपका एयर से एब्जॉर्ब कर लेगा एंड आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू, क्लियर है? नाउ अगर ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है, ओके, यहां से मैं लिख रहा हूं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, बेसिकली ये आपका स्ट्रॉन्ग एल्कली है ना बेटा, NaOH, बोलो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है ना NaOH, पूरा आयनिक पढ़ लिया है, कुछ पता नहीं क्या? नंबर वन स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। ओके, एज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली ओके, स्ट्रॉन्ग एल्कली है बेटा, तो अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट एसिड के साथ कैसा बिहेव करेगा, तो देखो बेटा NaOH है आपका, व्हेन इट रिएक्टेड विद H2SO4 क्या कन्वर्ट होगा बेटा, Na2SO4+H2। NaOH4+H2O, बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर वही बन रहा है। ओके, जब ये आपका HCl से रिएक्शन करेगा, NaCl+H2। NaCl+H2O, लाइक एक और लिख लीजिए H3PO4 से रिएक्शन करेगा, Na3PO4। H3PO4+H2O। समझ में आया बेटा, लाइक आप HNO3 से लिख सकते हो, CH3COOH से लिख सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ फर्स्ट एसिड हो गया, सेकंड आपका है ऑक्साइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है विद एसिडिक ऑक्साइड। नाउ एनीबॉडी टेल मी एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, किसी को आइडिया है एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? नाउ मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आइडिया तो CO2 SO2 बेसिक क्या NO2, नॉन नॉन मेटल, मेटेलिक, हाँ नॉन ये मेटेलिक। आपका SO2 ऑक्साइड हो गया। ओके सॉरी, एसिडिक ऑक्साइड हो गया। ओके नाउ जब एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, देखो यहाँ पर NaOH है आपका, व्हेन रिएक्टेड विद CO2, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया अभी, क्या बना बेटा इसमें, Na2CO3। वेरी गुड, NaOH जब आपका SO2 से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, Na2SO4। SO4 बन जाएगा, SO3 बनेगा, NaNO3, Na यहाँ पर टू आ जाएगा एंड SO3 यहाँ पर Na2CO3। समझ गया बेटा, एंड ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा इसमें याद रखना है, इसमें एक कंपाउंड और बनता है Na NO2 बनता है साथ में, बाकी सब में आपका वाटर बनता है, प्लस वाटर प्लस आपका, क्लियर है? इसमें आपका क्या बनता है बेटा, मिक्स एनहाइड्राइड बनता है। समझ में आया?
अच्छा नाम बताओ मुझे इनका, सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट का हो गया, सोडियम इसका नाम बताओ क्या होगा बेटा, सोडियम सल्फेट या सल्फाइड? सल्फेट, सल्फाइड। सल्फाइट, इसका नाम नाइट्राइड, नाइट्रेट, इसका नाइट्राइट। नाइट्राइड। वेरी गुड, ओके नाम तो आ गया आपके, ओके बहुत अच्छे, कुछ तो सीख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है आपका एसिड हो गया था, अभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड थर्ड पॉइंट है आपका। M4, टेरिक ऑक्साइड। नाउ यू टेल मी कितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, अगर आपने नहीं बताया देन मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मारने का मन करेगा तुमको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताओ। Al2O3 ZnO। वेरी गुड, Al2O3 ZnO SiO2 SnO SnO। PbO, SnO2, PbO2, ओके, SN और PV के सारे ऑक्साइड हमेशा एम्फोटेरिक होते हैं, याद करने लगा, ओके, SN PV के जितने ऑक्साइड बनते हैं, ओके। तो बेसिकली अगर मैं लिखूं यहाँ पर, मैंने लिखा NaOH, ओके, NaOH आपका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, कितने हैं बेटा? फाइव, आई थिंक फाइव हो गया। नाउ अभी NaOH का रिएक्शन हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका Al2O3 से, क्या कंपाउंड बनेगा बेटा? Na AlO2 Al2 प्लस साथ में वाटर, इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट, मेटा मेटा एल्यूमिनेट। वेरी गुड, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका कंपाउंड है आपका, नेक्स्ट किससे रिएक्शन कर रहा है? जेड एन ओ के साथ, क्या बनेगा आपका कंपाउंड? एल्यूमिनेट। एन ए टू जेड एन ओ टू, ओके, प्लस आपका वाटर। क्लियर है? इसका नाम क्या बेटा? सोडियम सिंकेट। जिंकेट, ओके। नेक्स्ट आपका रिएक्शन हो रहा है SnO2 के साथ, SnO या SnO2 के साथ रिएक्शन हो रहा था आपका, क्या बनेगा? SnO लिखते हैं हम लोग, SnO, क्या बनेगा? Na NA2SNO2। SnO2, वेरी गुड, प्लस आपका H2, इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम स्टैनेट। स्टैनेट एस्टेनाइट होगा इसका, ओके। जब आप SnO2 के साथ रिएक्शन करते हो तब आपका कंपाउंड क्या बनेगा? NaSNO2। SnO3, मींस यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कम किया, समझ गए? याद करने का ट्रिक है, जहाँ यहाँ पर ऑक्सीजन टू है तो यहाँ पर थ्री कर दिया, यहाँ पर वन है तो टू कर दिया, वन के साथ टू आएगा, टू के साथ थ्री आएगा, समझे? तो प्लस साथ में आपका क्या बना? वाटर बना।
इसका नाम होगा आपका स्टेनेट। ओके, नेक्स्ट आपका रिएक्शन है पीबीओ के साथ। पीबीओ के साथ रिएक्शन होगा क्या बनेगा बेटा, एन ए टू पीबीओ टू प्लस वॉटर, इसका नाम क्या है? सोडियम प्लम्बाइड। सोडियम प्लम्बाइड, प्लम्बाइड, वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका एक रिएक्शन और रह गया, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। पीबीओ टू के साथ, पीबीओ टू के साथ क्या बनेगा, एन ए टू पीबी ओ थ्री प्लस एच टू प्लम्बर, ये सारे के सारे रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, याद करो, बताया कभी, कभी बताया क्या मैंने आप लोगों को? यस सर, हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन में बताया मैंने। ओके, नाउ हाइड्रोजन मैंने तब बताया था जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही थी, एनओएच के साथ रिएक्शन, एम्फोटेरिक मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, एनओएच जब एम्फोटेरिक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब एच टू प्रोड्यूस करेगा। ट्रिक ये है कि अगर मैंने यहाँ से सब जगह से मैंने ये ऑक्सीजन हटा दिया, ओके, तब यहाँ से भी ऑक्सीजन हट जाएगा, समझे? मतलब सारे कंपाउंड सेम बनने हैं जो भी हैं, क्लियर है ना, याद रहेगा ना? यस सर, अगर नहीं याद तो बता दो, फिर से लिखा दूंगा, ऑलरेडी अभी लिख देते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैं विथ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करो, फिर मेटल के साथ रिएक्शन आते हैं। ओके, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, नंबर डाल लेना बेटा कौन सा नंबर है। ओके, रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन कौन सी होती बेटा, लाइक मैं लिख लेता हूं आपका NaOH है। ओके, एक कंपाउंड, दूसरा थर्ड, ओके, एटलीस्ट तीन नॉन मेटल्स। ओके हैं, ओके, नॉन मेटल, फर्स्ट नॉन मेटल है आपका बोरॉन। ओके, बोरॉन आपके पास क्या चाहिए बेटा, फ्यूज्ड बोरॉन चाहिए, फ्यूज्ड मींस मॉल्टन स्टेट वाला बोरॉन चाहिए। ओके, क्या कंपाउंड्स बनेगा आपका, कंपाउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, Na3BO3 बनता है प्लस साथ में आपका H2 गैस देता है, क्लियर है? अगर मैं SiO और वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ, वाटर आपका नॉर्मली से जरूरत पड़ता है, बट नॉर्मली रिएक्शन हो रही है आपकी किसकी, SiO के साथ, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगी, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या कंपाउंड बनेगा आपका, Na2SiO3, Na2SiO3 कंपाउंड बनेगा। ओके, नाउ इफ वी रिएक्टेड विथ फास्फोरस, P4 के साथ रिएक्शन होती है। ओके, P4 आपका कौन सा होता है बेटा, येलो फास्फोरस व्हेन हीटेड विथ NaOH, आपका फास्फीन गैस क्या होती है बेटा, फास्फीन गैस बनती है, समझ में आया? यहां पर आपका Na टू पीबी, सॉरी सॉरी NaH
PO2 बनने वाला है, ओके, प्लस आपका PH3 बनने वाला है। हाँ, इसके केस में आपका H2 गैस इधर पर और निकलती है, याद रखना, ओके। इस कंपाउंड का नेम है सोडियम बोरेट, बोरेट नेक्स्ट का नेम क्या है? सोडियम सिलिकेट, सिलिकेट। इसका नेम क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फेट, सॉरी फॉस्फेट, फॉस्फेट नहीं, फॉस्फाइट होगा। फॉस्फेट तब होगा जहां पर जब PO3 होता तो फॉस्फेट हो जाता है, सल्फाइड। क्लियर है? सोडियम हाइपोसल्फाइड प्लस साथ में आपका कौन सा गैस बन रहा बेटा? फॉस्फिन, फॉस्फिन वेरी पॉइजनस गैस भी था, ओके, पॉइजनस होता है, इससे मर भी सकते हैं। क्लियर है बेटा? अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करा दिया मैंने, सल्फर भी तो आपका नॉन मेटल है ना, है ना नॉन मेटल, सल्फर के साथ रिएक्शन करा दिया मैंने यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अलग से याद कर लेना, NaOH प्लस सल्फर के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बन रहा है? Na2S, Na2 H2 O3 प्लस Na2S प्लस 3H2O। क्लियर है बेटा? इसका नाम बताओ H2O3 का, सोडियम, इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम थायो सल्फेट और सल्फाइड क्या होगा? सल्फेट। इसका नेम क्या है बेटा? सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड, ओके, वेरी गुड सर। यस, हाँ बोलो सर। वो सोडियम हाइपोफॉस्फेट में NaH2 आएगा ना? सोडियम हाइपोफॉस्फेट में, हाँ हाँ H2 आएगा, वेरी गुड, H2 आएगा, इधर वैलेंस ही क्लियर नहीं, NaH2 आएगा, थैंक यू बेटा, NaH2 आएगा। क्लियर है ना? अभी देखो शिव प्रसाद ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये रिएक्शन याद करनी पड़ेंगे हमको। बेटा ऑब्वियसली याद करनी ही पड़ेंगे, एटलीस्ट मैंने बोला NaOH का तो सब कुछ पढ़ना है आपको, NaOH का जो ये रिएक्शन लिखाई है मैंने, रिएक्शन विद दिस सल्फर के साथ इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका मैं जितना इम्पोर्टेंट लगाऊँ वो कम है बेटा, अब मैं क्या इसमें लगाऊँ, NaOH का तो सब कुछ याद करना है। फ्रॉम द बिगिनिंग मैं आपसे बोल के चल रहा हूँ कि NaOH का आपको सब कुछ पढ़ के चलना है, याद है कि नहीं, कुछ बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? कोई सा भी आज तक ऐसा एग्जाम नहीं गया जिसमें NaOH का रिएक्शन ना आया हो, हर टाइम हर रिएक्शन रिपीट हो चुकी है बेटा, कोई सी भी रिएक्शन ले लो आप, JEE में पेपर उठा लो, कोई ना कोई रिएक्शन मिल ही जाती है आपके NaOH, ओके। ये हो गया सल्फर के साथ रिएक्शन, थायोसल्फेट बना आपका, प्लस आपका Na2S बनेगा, ओके। क्वेश्चन कैसे आते हैं रिएक्शन, इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा? हम मैंने आपको सीट दिया है, सीट को एक बार खोल के देखो बेटा, उसमें क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपके, जो सीट दिए ना मैंने 1, 2, 3 आपके, उसको एक बार ओपन करके देखो, समझ में आएंगे। बेसिकली आपको याद करना क्या क्या चीज होता है, याद ये करना होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं NaOH के साथ कौन सा एलिमेंट रिएक्शन करके क्या बनाता है, वो आपको याद रखना है, ओके। प्लस उस कंपाउंड का उस कंपाउंड की पहचान कैसे करते हैं, लाइक मैंने बोला है थायोसल्फेट बन रहा है, ओके, सल्फाइड बन रहा है या हाइपोफॉस्फाइड बन रहा है, तो आपका P4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, मैं बोलूँगा सिलिकेट बन रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपका फुल नेम दिया हो वहाँ पर, शॉर्ट नेम सिलिकेट बोरेट इस तरीके से नेम दिया रहता है, ओके। नाउ जो मैं इम्पोर्टेंट रिएक्शन बोल रहा था आपको वो ये है आपका,
विथ हेलोजन, हेलोजन के साथ रिएक्शन। हेलोजन कौन कौन सा होता है बेटा? CLBRI होता है ना, CLBRI। हाँ CLBRI। ओके नाउ जब CLBRI की रिएक्शन हो रही है, लेट्स से मैं आपका एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, सोडियम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से, Na when reacted with X2, NaOH X2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। X2 के साथ रिएक्शन करने के लिए दो कैटेगरीज थी ना बेटा? कौन कौन से कैटेगरीज? डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ ये वेरी गुड। ओके एक डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड मींस, और एक आपका या बेसिकली हम बोलेंगे हॉट, हॉट कंडीशन में या कोल्ड कंडीशन में। ओके तो अपने पास इसको इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूं, एक्स मीन्स आप इधर पे समझ लेना सीएल है, बीआर है, आई है। ओके कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में, और यू कैन से हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में। ओके रिएक्शन कर रहा है आपका, तो क्या बनेगा आपका? NaX और NaX तो दोनों में बनना है बेटा, क्लियर है? प्लस साथ में जो कंपाउंड्स बनना है उसको yes. मैं ब्लैक कलर से लिख दे रहा हूँ। ओके प्लस Na क्या बनेगा बेटा? NaXO3 बनेगा, प्लस Na XO3 बनेगा। इसको इस तरीके से कर लो, XO बनेगा। क्लियर है? अभी समझ में आएगा? इसका नाम क्या है बेटा? हाइपो, हाइपोक्लोराइट नहीं, हैलाइड। ओके यहाँ पर नॉर्मल हैलाइड। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, क्लियर है? याद रहेगा ना? अभी किसी के साथ वो, अगर आपके पास सीएल भी है तो चलेगा, बीआर भी है तो भी चलेगा, आई भी है तो भी चलेगा, ये रिएक्शन तीनों के साथ होती है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका नेक्स्ट रिएक्शन है आपका विद सल्फर, तो हो चुका आपका विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करते हैं बेटा, NH3 गैस निकलती है, समझा? फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे निकलेगी अमोनियम सॉल्ट, क्या होगा बेटा? NH4Cl प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, आपका NH3 गैस निकला, प्लस आपका NaCl बना, प्लस H2O। NH4 होल ट्वाइस SO4 जब ये रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, क्या कंपाउंड बनेगा बेटा? NaCl देखो, सब कहीं पर Cl दिख जाए, हेलोजन और Na दिख जाए, तो NaCl तो सब में आता है ना, Na2SO4 Na2SO4 plus H2। बैलेंस करो रिएक्शन को, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर Na2 है, एंड 2 आया वहां पर, 2NH3 आएगा एंड 2 वाटर आ जाएगा, बैलेंस हो गया ना, अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ। नाउ एक्शन
जो आपके सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट एक्शन ऑन सॉल्ट, सॉल्ट में देखो रिएक्शन बेटा। अच्छा एनएच फोर होल्ड वाइज इसका नेम बेटा, अगर मैं के टू एस ओ लिख दिया तो इसका नेम क्या होता बेटा? पोटेशियम सल्फेट। और ये आपका एनएच फोर पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, इसका नेम अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। यस प्रसाद। यस, किसी भी कंपाउंड्स का नाम नहीं समझ में आता तो मेरे से पूछ लो, अदरवाइज बाद में गूगल नहीं करने का, कॉपी नहीं देखने का, बुक नहीं देखने का, उसमें भी आप आधा घंटा एक घंटे निकाल दोगे नाम सर्च करने में। जो भी है राइट नाउ लाइव पूछते जाओ जो भी प्रॉब्लम्स आती है। ओके नाउ एक्शन ऑन सॉल्ट, अगर हम लोग सॉल्ट पे रिएक्शन करते हैं तो एक्शन सॉल्ट के नाम बताओ बेटा कोई। देखो सॉल्ट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनने वाले सॉल्ट और एक आपके सॉल्युबल बनने वाले सॉल्ट। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फर्स्ट कैटेगरी में लिखना, यहाँ पर इसका फर्स्ट कैटेगरीज। एक काम करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग हेडिंग नंबर डाल लेते हैं तो आपको क्लियर आ जाएगा। ओके केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आपका था बेटा, ये आपका था लेट्स ये थर्ड नंबर। ओके तो इसको मैं फोर्थ, ये थर्ड नंबर था बेटा, इसको मैं फोर्थ नंबर करता हूँ चलेगा? प्रॉपर्टीज लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग आप हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। ओके ऊपर प्रॉपर्टीज हेडिंग पड़ी है तो 1 2 3 हो गया, फोर्थ नंबर ये हो गया। फोर्थ नंबर के बाद आपका विद फिफ्थ नंबर क्या था, ये एल्कली एम्फोटेरॉक्सिस, ये आपका फिफ्थ नंबर हुआ। क्लियर है बेटा? ये आपका सिक्स्थ नंबर कर लो बिकॉज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए है वही सेवेंथ के नॉन मेडिकल कैटेगरीज में है बट इसको सिक्स्थ नंबर कर लो, इम्पोर्टेंट है। ओके ये आपका आ जाएगा सेवेंथ नंबर। ओके एट्थ नंबर में आपका क्या आ जाएगा? अमोनियम सॉल्ट। एट्थ नंबर में आपका अमोनियम सॉल्ट आ जाएगा। नाइन्थ नंबर में आपका एक्शन ऑन सॉल्ट। क्लियर है बेटा? अभी नाइन्थ का आप फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें आपका हेडिंग है इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होता है बेटा लाइक, अभी याद कर लो कौन कौन से होते हैं, जो आपकी मेटल्स होती हैं Fe, ये जो मेटल है ओके लाइक NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कर रही है मेटल्स आपकी, तो कंपाउंड्स बनने वाला है एक वन वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है ना अभी तक, 1 2 3 4 5 हाँ ओके। किससे रिएक्शन कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लेट से हम लोग बोलते हैं FeSO4 से, इसका हाइड्रोक्साइड से, सॉरी इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है आपका, तो इस FeSO4 आपका सॉल्ट है।
FeSO4 सॉल्ट है ना आपका, FeOH का होल ट्वाइस बनाएगा। नीचे डाउन एरो का मतलब क्या बेटा, प्रेसिपिटेट होना मतलब इनसॉल्युबल, समझ में आया? डाउन एरो का मतलब इनसॉल्युबल हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका FeSO4 के बाद आप Fe का FeCl3 कर दीजिए, FeCl3 बिकॉज यहाँ पर Fe+2 में है, यहाँ पर Fe+3 में है। ओके, देन आपका कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, तब भी आपका OH thrice फॉर्म होगा। वेरी गुड, नेक्स्ट आपका कंपाउंड आएगा क्रोमियम है आपका, क्रोमियम लिया मैंने, Cl3 लिया, क्या फॉर्म होगा, CrOH thrice इनसॉल्युबल। तो वो सारे CrCl3 FeCl3 वो सॉल्ट है क्या? हाँ, ये सॉल्ट है आपके, ये आपके सॉल्ट हैं। सॉल्ट क्या, बेसिकली क्या हो रहा बेटा, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा। ये एक्शन ऑन सॉल्ट लिखा ना, सॉल्ट के ऊपर रिएक्शन करते हैं तो आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड में बताऊंगा सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड या सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ओके, तो फर्स्ट आपका ये सॉल्ट है आपके, जो मैं यहाँ पर एरो के ऊपर लिख रहा हूँ वो आपके सॉल्ट है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आपका निकिल पे लेके आते हैं हम लोग, निकिल Ni NO3 होल ट्वाइस कर लिए। ओके, फिर इसमें क्या कंपाउंड फॉर्म होगा बेटा, NiOH होल ट्वाइस, होल ट्वाइस फॉर्म होगा ना, प्लस इस कंपाउंड में आपका NaNO3 फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना। ओके, बाकी कंपाउंड्स का बाय प्रोडक्ट आपको याद नहीं रखना, बाकी चलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका MnSO4, MnSO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो MnOH का होल ट्वाइस फॉर्म होगा, समझ में आया ना? अभी कॉपर रह गया, एक कॉपर का भी कर लेते हैं हम लोग, एरो बनाते हैं। कॉपर का Cu, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं SO4। ओके, देन CuOH होल ट्वाइस फॉर्म हो जाएगा, समझे बेटा ऑल ऑफ यू? ये सारे आपके क्या फॉर्म हुए हैं, प्रोडक्ट। नाउ इसमें जो याद करने वाले जो हैं उनके नीचे मैं अंडरलाइन करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका FeOH का होल ट्वाइस, रेड पीपीटी बनता है, समझे? फिर आपका आता है CrOH का होल ट्वाइस, CrOH का होल ट्वाइस, दिस इज ग्रीन पीपीटी, समझ में आया? नाउ फिर आपका है CuSO4, CuSO4 ब्लू कलर है आपके पास, हाँ, ब्लू पीपीटी, यस बेटा। पीपीटी मीनिंग होता है प्रेसिपिटेट, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं प्रेसिपिटेशन, जो होता है ना पीपीटी, प्रेसिपिटेशन, समझ गया बेटा? हेलो, प्रेसिपिटेशन समझे कि नहीं? नाउ यहां पर आपका आएगा बफ कलर्ड पीपीटी, या बफ कलर्ड आता है। ओके, ये बफ कलर्ड पीपीटी लिखूंगा यहाँ पर, समझ में आया? जिनके नीचे मैंने कलर्ड लिखा है वो आपको याद करना है। कौन सा पॉइंट पे कंफ्यूजन है बताओ मुझे,
किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है किसी को? एनीबॉडी? एनी कंफ्यूजन? नाउ याद कैसे करना है इसको? देखो अभी एक्शन ऑन साल्ट है, पूछा कभी कि भाई साल्ट के ऊपर रिएक्शन NaOH किस तरीके से करता है, कौन कौन से वो मेटल्स के सॉल्ट होते हैं जिसके ऊपर रिएक्शन करता है और कलर्ड कंपाउंड देता है, तो आपको याद रखना है इस तरीके से। पता नहीं आप अपना बना सकते हो, मेरे तरीके से ये होता है, फिकर नहीं मन को, समझे? Fe means फिकर, Fe और Cr means फिकर, Ne means नहीं, Mn means मन, K means को, फिकर नहीं मन को, समझे बेटा? Yes sir. फिकर नहीं या नहीं कर देते हैं, क्लियर है? आपको बाद में याद करने के लिए कुछ तरीका होगा, बाद में याद कर लोगे आप, ओके? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है याद या नहीं करना है। नाउ फर्स्ट आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट हाइड्रोक्साइड हो गया, सेकंड आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, अगर कौन कौन से इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होते हैं जो आपके एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करके डिसॉल्व हो जाते हैं, क्या समझे बेटा? इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करके डिसॉल्व हो जाते हैं, तो सेकंड कैटेगरी आपका है इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH, कौन कौन से हाइड्रोक्साइड होते हैं, कौन कौन से सॉल्ट के हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सॉल्ट पता होना चाहिए ना, तो कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, लेट से मैं राइट डाउन करता हूँ, ZnSO4 का जो सॉल्ट होगा वो आपका रिएक्शन करने पर NaOH के साथ रिएक्शन करने पर आपका कंपाउंड बनाएगा बेटा, ZnOH का होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जितना वैलेंसी होता है बेटा उसी वैलेंसी का आपने OH जोड़ देना, कुछ चेंज ही नहीं करना, यहाँ पर ZN है SO4 था तो SO4 हटा के OH जोड़ लिया, समझे? नाउ ये जो आपका सॉल्ट हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट PPT, ओके? नाउ जब एक्सेस ऑफ NaOH आप फिर से इसमें NaOH डालते हो या फिर से एक्सेस ऑफ NaOH से रिएक्शन कराते हो, दैट कैन कन्वर्ट इट टू Na2ZnO2 और ये आपका सॉल्युबल होता है, इसका नाम पता है ना बेटा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ये जो आप मैंने लिखा ना एक लाइन में, ये समझ में क्या आया? रिएक्शन एक्चुअली पता है कैसे हो रहा है, रिएक्शन आपका ऐसे हो रहा है, आपका NaOH ZnSO4 रिएक्शन कर रहा है तो आपका ZnOH का होल ट्वाइस बन रहा है, ओके? फिर ZnOH का होल ट्वाइस फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है आपका Na2ZnO2 बन रहा है, समझे? ये आपका होता है वाइट PPT, ओके? अगर मैंने यहाँ पर किसी भी मैंने कंपाउंड्स में इस तरीके से लिख दिया कभी रिएक्शन में, किसी या एग्जाम में लिख के आता है आपका ZnSO4 NaOH एक्सेस, तो आपको कंपाउंड्स क्या बनाना है, डायरेक्टली Na2ZnO2 बनाना है, समझ गया बेटा? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? Yes. इस तरीके से ये आपके रिएक्शन के स्टेप हैं, मैंने आपका फर्स्ट पार्ट में इस तरीके से कंप्लीट किया, इस जहां पर मैं अभी लिख रहा हूँ ये चीज समझ में आया बेटा, ये पॉइंट फर्स्ट डॉट क्लियर हुआ, ZnSO4 आपका यहाँ पर एरो को मैं लिख दे रहा हूँ, आपका NaOH के साथ रिएक्शन कराएगा तो आपका ये बन रहा, फिर इसके साथ कराते तो ये बन रहा, ओके? सेकेंड पॉइंट देखो, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है आपका
एल सी एल थ्री है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन कर रहा विद एन ओ एच, क्या बनेगा अभी आप लोग बताओ मुझे। AlOH guys. Very good. फिर से मेरा रिएक्शन करा दिया एक्सेस में, क्या बनेगा? तो वो 3 आएगा ना, OH 3. हाँ 3 आएगा, सॉरी. फिर से मैंने NaOH एक्सेस में रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा? NaAlO2. Very good. NaAlO2. समझ में आया ना पॉइंट? नेक्स्ट आपका देखो, आपका फॉर एग्जांपल SnCl2 ले लिया मैंने, SnCl2 रिएक्शन कराया, क्या बनेगा बेटा कंपाउंड? SnOH twice. फिर से मैंने रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा अभी? Na2SnO2. Na2SnO2. ओके, नाउ फिर से अगर मैंने Pb लिया मेरे पास, Pb NO3 होल ट्वाइस है, अभी मैंने रिएक्शन कराया, क्या बनने वाला है? PbOH ट्वाइस. वेरी गुड, PbOH ट्वाइस. ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बनेगा? Na2PbO2. Na2PbO2. समझ में आया? जो लास्ट में कंपाउंड्स बन रहे हैं बेटा, वो सारे सॉल्युबल हैं, समझ गए? और जो यहाँ पर कंपाउंड्स बन रहे हैं, एल्यूमिनियम OH का होल ट्वाइस, ये आपका व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट PPT, ये भी आपका व्हाइट PPT और ये भी आपका व्हाइट PPT. क्लियर है बेटा? व्हाइट PPT समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दूं, कौन कौन सी मेटल होती है बेटा जो रिएक्शन करती हैं, व्हाइट PPT बनाती हैं, फिर आपकी सॉल्युबल हो जाती हैं? Zn, AlSn, PbSn. इसमें भी आप कोई आप बना सकते हो ट्रिक याद करने के लिए, बना लोगे? मेरे पास बना हुआ है बट मैं अभी नहीं बताने वाला, थोड़ा भी आप भी ट्राई करो. ओके, ये चीज क्लियर हुई ना? इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, जो आपके इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व होने वाले हैं वो आपको ये हैं, और जो ऊपर वाले इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है ये आपके डिजॉल्व नहीं होते हैं. समझ गए बेटा? कितना भी NaOH डालो ये आपके बन गए तो बन गए, खत्म. ओके, नेक्स्ट आपका है इसमें क्या है, अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड, थर्ड पार्ट है आपका. अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड, अभी जो हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं वो आपके अनस्टेबल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रिएक्शन कराया, AgNO3 था मेरे पास, मैंने रिएक्शन कराया NaOH के साथ, मेरे पास कंपाउंड बना AgOH. AgOH बनेगा ना, बनेगा कि नहीं? Yes, sir. AgOH बनेगा. AgOH होता है बेटा आपका अनस्टेबल, तो ये आपका अनस्टेबल होने की वजह से ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आपका Ag2O में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे? अगर बैलेंस करना है अभी स्टार्टिंग से तो 2-2-2 बैलेंस कर दो, आपका ये आ जाएगा, समझे बेटा? फर्स्ट रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन अगर मैं बात करूं, HgCl2 व्हेन रिएक्टेड विद NaOH, क्या बनेगा? HgOH होल ट्वाइस, जो आपका अनस्टेबल है एंड कन्वर्ट हो जाएगा आपका HgO में. नाउ अभी याद रखना बेटा, इसका कलर होता है आपका ब्राउन,
ओके AG2O का कलर होता है ब्राउन एंड इसका कलर होता है आपका येलो, याद रहेगा ऑल ऑफ यू, ये आपका येलो कलर का, ये आपका ब्राउन कलर का, क्लियर है? नाउ NaOH आपका कंप्लीट हो चुका है अभी। अगर फिर भी अभी NaOH में कुछ डाउट है किसी भी रिएक्शन में क्या है, या मैंने बहुत शॉर्ट में रिएक्शन लिखाई है बेटा, याद रखना किसी कोई बुक खोलोगे वो बुक में इस टाइप के रिएक्शन में और भी मेटल लिखी होंगे, मैंने वही रिएक्शन लिखाई है, वही मेटल नॉन मेटल्स वही क्लोराइड्स और रिएक्शन दिखाई है जो एग्जाम में रिपीट हुई है, इनमें से एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो एग्जाम में आया ना हो, समझ रहे हैं? मैं पूरा स्पेन बोल रहा हूँ फ्रॉम द 70 ईयर्स आज से लेकर के पहले तक के 1950 से लेकर के आज तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं मेंस और एडवांस में, जो रिएक्शन मैंने लिखाई है कोई ना कोई रिएक्शन कहीं ना कहीं आई हुई है, समझे? NaOH के साथ तो आपको पूरा का पूरा NaOH अच्छे से पढ़ लेना है, ओके? नॉट ओनली JEE के लिए, आप मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी पढ़ो, मेंस के लिए भी तो है, एडवांस के लिए भी पढ़ो, क्लियर है पॉइंट? समझ में आया चीज? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? नाउ एक रिएक्शन और लिख लो, आपको लिखना है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है बट मैं लिखा दे रहा हूँ आपको अलग से रिएक्शन, लाइक कौन सा नंबर चल रहा था, 9 चल रहा था ना, 10 कर लो, टेन नंबर में है NaOH आपका रिएक्शन करता है विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कभी कभी आपको इसकी कंडीशन पूछ ली जाती है, तो 150 to 200 डिग्री सेल्सियस और आपका 10 ATM ये होता है, ओके? एंड देन कंपाउंड फॉर्म होगा आपका HCOONa। एनीबडी गिव मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सोडियम फॉर्मेट, जैसे आपका सोडियम एसीटेट होता है, एसीटेट आयन होता है, ऐसे ही आपका सोडियम फॉर्मेट होता है, क्लियर है? NaOH आपका ओवर है, अभी आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है यूजेस, यूजेस को आप हल्के में नहीं लेने का, NaOH का यूजेस आपके एग्जाम में आता है, ओके? यूजेस आपको जस्ट रीड करना है, कहीं से भी आप कोई सा भी बुक से रीड कर लो, जैसे आपका लेबोरेटरी में यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है, आपका सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, समझे ना? प्रिपरेशन ऑफ जो आपके फैट ऑयल होते हैं वहां पर आपका यूज होता है, ओके? तो यूजेस आप पढ़ लोगे बेटा, ऑल ऑफ यू बोलो मुझे, अगर रीड कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख दूं यहाँ पर, बोलो, अरे बोलो भाई कोई तो बोलो, यूजेस आपको रीड करना है, ओके? ओके, नेक्स्ट है आपका सोडियम, अच्छा NaOH कंप्लीट हो जाने के बाद कौन सा नेक्स्ट कंपाउंड था, देखता हूँ आपकी मेमोरी है कि नहीं है, कौन सा नेक्स्ट कंपाउंड था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वेरी गुड, चलो कुछ तो याद है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था, Na2 CO3 10H2 इसका और भी नाम होता बेटा, साथ में बताया वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बेटा सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से बनता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ओके? नंबर वन प्रोसेस सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, सॉल्वे याद करो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पर आपको सॉल्वे अमोनिया आया था, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, ओके? इन दिस प्रोसेस बेसिकली शॉर्ट में मैं लिखा दूं आपका जो रॉ मटेरियल है यूज होने वाला है,
रॉ मटेरियल्स यूज्ड आपका कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं, ओके, अमोनिया NH3 CO2 लाइम स्टोन आपका CaCO3 ओके, ये तीन चीजें आपकी यूज होने वाली है, ओके। नाउ इन तीन चीजों को स्टेप कैसे, स्टेप बाय स्टेप देखो बेटा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर स्टेप है आपका, अगर मैं बोलूं इन दिस प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है आपको इसमें, बट आपको याद रखना है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। स्टेप वन लिख लो, स्टेप्स लिखे हैं, ओके। नंबर वन क्या होता है, CO2 is passed through concentrated solutions. Concentrated solution of sodium chloride saturated with अमोनिया, ये किया जाता है, ओके। नाउ बेसिकली देखो बेटा, मैं स्टेप्स हो गया, स्टेप में और भी है, मैं अभी कौन कौन से स्टेप है वो लिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन लिखो, रिएक्शन कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। कैल्शियम कार्बोनेट तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, एंड दैट कन्वर्टेड टू CaO+CO2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। एंड NH3 जो होता है आपका, NH3 H2O और CO2 से रिएक्शन करके आपका NH4 HCO3 बनाएगा, ओके। इसका नाम क्या है बेटा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। वेरी गुड, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ओके। नाउ अमोनियम बाइकार्बोनेट जब आपका NaCl के साथ रिएक्शन करता है, NH4HCO3 इसके साथ रिएक्शन करता है, देन आपका NaHCO3 बना प्लस आपका NH4Cl बना, ओके। ये आपका क्या होता है, स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ओके। हेंस जो प्रिसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, हल्का सा सॉल्युबल होता है तो थोड़ा थोड़ा प्रिसिपिटेट भी होने लगता है, समझे बेटा, पूरा सॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रिसिपिटेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन। क्लियर हुआ पॉइंट, ये NaHCO3 आपका स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ओके। नाउ NaHCO3 को क्या करना है आपको, हीट, क्या करना बेटा, हीट दैट कन्वर्टेड टू Na2CO3 प्लस आपका H2 आ जाएगा प्लस आपका CO2 आ जाएगा, समझ में आया। अब ये CO2 आप फिर से यूज कर सकते हैं अपने रिएक्शन में, क्लियर है बेटा, CO2 आप क्या कर सकते हो, फिर से यूज कर सकते हो, ओके। नाउ इसमें आप रिकवरी भी कर सकते हो अमोनिया की, बेसिकली क्या होगा बेटा, जो क्विक लाइम आया है ना CaO, इसका तो कुछ यूज नहीं हुआ ना, क्विक लाइम है आपका CaO, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा and that converted to CaOH का whole twice,
एंड दैट CaOH का होल ट्वाइस जब आपका NH4Cl से रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा बेटा, अमोनिया गैस निकलेगा प्लस आपका CaCl2 प्लस वाटर निकलेगा। ओके, तो इन दिस प्रोसेस बेसिकली आपका यही एक कंपाउंड होता है जो आपका एज अ बाई प्रोडक्ट आपका आता है, समझा? समझे कि नहीं समझे बेटा, ऑल ऑफ यू? यही एक कंपाउंड है जो आपका, बाकी सारे रिएजेंट कहीं ना कहीं आपके यूज हो रहा हो जा रहा है। ओके, तो इन दिस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप हैं जो आपके इन्वॉल्व रहते हैं, अभी मैं आपको स्टेप लिख दे रहा हूँ, ओवरऑल जो स्टेप हैं आपके, स्टेप के नाम में लिख दे रहा हूँ। ओके, रिकवरी मीन्स बेटा देखो, रिकवरी मीन्स क्या है, अमोनिया आपका यहाँ पर यूज हुआ ना, तो अमोनिया को फिर से रिजनरेट करने के लिए, इस अमोनिया को फिर से रिजनरेट करने के लिए मेरे पास ये खाली पड़ा था, तो इसका रिएक्शन करा दिया मैंने वाटर से, तो ये बन गया। ओके, जब CaOH का होल ट्वाइस बना तो NH4Cl आपका इधर से आया था ना, ये NH4Cl आया, NH4Cl से रिएक्शन करा के अमोनिया बन गया, ये बन गया। क्लियर शिव प्रसाद, समझ में आया? यस। ओके, नाउ अभी हम लोग चलते हैं ओवरऑल स्टेप, जो आपके ओवरऑल स्टेप्स थे वो कौन कौन से स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप होता है बेटा सैचुरेशन ऑफ ब्राइन, फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं। Saturation of brine with ammonia. Ammonia को हम लोग सेचुरेट करते हैं with brine से, brine solution से, समझ में आया? क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्या है? Saturation of brine with ammonia. Saturation of brine with ammonia. Okay. Second step है आपका carbonation. Second step में होता है बेटा carbonation. Carbonation में basically देखो, अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से करूं, basically NaCl हो गया आपका, ये saturation हो गया आपका, प्लस आपका हम कार्बोनेशन कर रहे हैं मीन CO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपका कंपाउंड्स फॉर्म होने वाला है HCO3 प्लस NH4Cl। समझ में आया? फिर थर्ड स्टेप होता है आपका फिल्ट्रेशन, हम यहाँ पर आकर के फिल्टर करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन हमको मिलता है कार्बोकेटाइन के बाद, जो आपका कार्बोकेटाइन टावर होता है, इसका अब फिगर होता है बट फिगर आपको जाना नहीं है, फिगर तभी नहीं पूछता। ओके, जो कार्बोकेटाइन टावर होता है वहां पर आपका रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर लगा रहता है, जो आपका वैक्यूम फिल्टर रोटेट करता रहता है, उस रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर से क्या होगा बेटा, जो आपका NaHCO3 बनता है बार बार निकल लेता है। सपोज ये एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो थोड़ा बना निकाल लिया, फिर रोटेट करके बस सेकंड राउंड में निकाल लिया, इस तरीके से राउंड राउंड करके ये आपका NH4CO3 आपका फिल्टर आउट कर लिया जाता है। समझ में आया बेटा? फिल्टर आउट करेंगे, फिर आपका फोर्थ स्टेप होगा रिकवरी ऑफ अमोनिया या अमोनिया रिकवरी। अमोनिया रिकवरी का मतलब होता है बेटा अमोनिया को वापस से बनाना। बेसिकली इस अमोनिया रिकवरी में क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है बेटा बता मुझे, बोलो। CaO plus H2O। अमोनिया रिकवरी में जो रिएक्शन होती है देखो, NH4Cl plus CaOH twice. Twice आपको अमोनिया दे दिया प्लस आपका H2O
HACl2 H2 उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना ये इम्पोर्टेंट है। H2 का भूल भी सकते हो, कभी मार्क्स नहीं कटेंगे, बट इसमें मार्क्स कट जाएंगे आपके। ओके बैलेंस कर लेना आप, यहाँ पर बैलेंस लगा देंगे तो बैलेंस हो जा रहा है। ओके नेक्स्ट आपका जो लास्ट स्टेप है वो है आपका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता बेटा, बेसिकली जो आपका CaOCO3 है ना, फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कैल्सिनेशन में, याद करो फर्स्ट कैल्सिनेशन में NaHCO3 है आपका, NaHCO3 को हीट करेंगे अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस, दैट कन्वर्टेड टू Na2CO3 एंड साथ में आपका CaCO3 होता है, दैट ऑल्सो कन्वर्टेड टू CaO+CO2। समझ में आया, ये क्लियर हुआ पॉइंट कैल्सिनेशन में आपका ये स्टेप, ये फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोसेस। बेसिकली देखो बेटा क्या हो रहा है आपका, इस तरीके से मैं बोलूँ, अगर मैंने बोला NaHCO3 है, CaCO3 है आपका, इसको क्या करते हो हीट करेंगे तो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CO2 में जाएगा, सॉरी इधर पे CO2 में गया, एंड साथ में किस तरफ क्या किस में जाता है बेटा, CO में जाता है, एंड CaO आपका रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है बेटा CaO, H2O के साथ रिएक्शन करता है और NH4Cl लिख दिया मैंने यहाँ पर, NH4Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्टीमेटली आपका एक कंपाउंड बनेगा, क्या बनता बेटा, CaCl2 बनता है ना। ओके नाउ वो अभी थोड़ी देर पे इस तरफ आओ, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्लस आपके पास NaCl भी आ गया, NaCl तो आपका रॉ मटेरियल था, प्लस आपका अमोनिया है आपके पास। ओके अमोनिया है, ये तीन और रिएक्शन करके आपको क्या देंगे बेटा, ये भी ये तीनों आपको रिएक्शन करके क्या देंगे, दे रहे हैं बेटा NaHCO3 देंगे कि नहीं, थोड़ा सा अच्छा से लगा लो यार इधर पर, क्लियर है बेटा। नाउ NaHCO3 से अगर मैं क्लियर है, ये चीज समझ में आया। नाउ इस प्रोसेस में आपका अमोनिया भी बनता था बेटा, इस प्रोसेस में तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक हम लोग ये प्रोसेस लगा सकते हैं, इन दिस प्रोसेस आपका अमोनिया बनेगा प्लस साथ में जो आपका बाई प्रोडक्ट आ जाता है, यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, CaCl2। ये ग्राफ किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ मुझे, ये ग्राफ किसको क्लियर नहीं हुआ,
अच्छा जब इसको हीट करते हैं बेटा, इसको यहाँ पर हीट करते हैं तो साथ में आपका CO2 भी बनता है ना, प्लस H2O बनता है। आप यहाँ पर इस तरीके से एरो भी लगा सकते हैं, बिकॉज आपका CO2 बन रहा है तो आपका वापस CO2 भी बन रहा है यहाँ पर। क्लियर है ना? अमोनियम बाइकार्बोनेट, ओके, इस रिएक्शन में जब ये तीनों रिएक्शन कर रहे हैं आपके, 1, 2, 3 रिएक्शन करेंगे तो साथ में आपका NH4Cl भी बनेगा। आपको NH4Cl यहाँ पर यूज कर रहा है। समझ में आया सबको या नहीं बोलो? प्रोसेस क्लियर? ब्राइन का मीनिंग नहीं हुआ? देखो ब्राइन का मीनिंग क्या हुआ बेटा? ब्राइन का मीनिंग, ब्राइन ब्राइन क्या हो रहा बेटा? एक बार NaCl कहां पर यूज हुआ? देखो दोबारा से देखो, ब्राइन मीनिंग, अच्छा ब्राइन मीनिंग, ब्राइन मीनिंग होता है बेटा NaCl प्लस H2O और NaCl इक्वस बोल देंगे, वो आपका ब्राइन सॉल्यूशन होता है। समझे? यस। अभी प्रोसेस क्लियर? सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट से हमने CO2 में चेंज किया एंड कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज किया, क्विक लाइम बनाया। ओके, CO2 आपके पास मिल गया, जैसे आपके पास CO2 मिला, NaCl आपके पास था ही, NH4 NH3 भी था, इन तीनों से मैच करके आपका क्या बन गया, आपका NaHCO3 बन गया, तीनों को मिला करके। ओके, NaHCO3 बना, साथ में आपका NH4Cl भी बना। NH4Cl आपका इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आपका अमोनिया गैस बनाया, प्लस आपका कैल्शियम क्लोराइड बनाया। ओके, NaHCO3 जब जहां तक बन गया आपका, इसको हीट कर दिया तो आपका Na2CO3 बना, प्लस साथ में CO2 बने तो CO2 आपको यहां निकल गया। समझा? आपने स्टार्ट कहां से करना है? अगर मैं बोलूं फर्स्ट स्टेप आपका इधर से करना है, सॉरी इधर से ये फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, जब ये बन जाएगा तो थर्ड स्टेप आपका यहां पर आएगा, थर्ड स्टेप के बाद आपका बाय प्रोडक्ट में आपका ये बन जाएगा CaCO2। ओके, क्लियर है? किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ अभी? ओके, आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं होता तो फिर मेरे से पूछो बाद में। ओके, नाउ इसकी प्रॉपर्टीज जो है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ, आई थिंक हाँ नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जो भी फर्स्ट ग्रुप के क्वेश्चन है आप सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो मुझे डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना पड़ जाएगा। ओके, जो आपका ग्रुप सेकंड है वो मुझे, मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना सब लोग? पोटेशियम, नो बेटा सोडियम के बाद कुछ भी नहीं, अभी डिस्कस कुछ भी नहीं करना, पोटेशियम पोटेशियम नहीं करना डिस्कस, वो आपके सिलेबस में आता नहीं है बेटा, पोटेशियम नहीं आता, टेंशन मत लो। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट तक आते हैं, पोटेशियम का कोई सा भी कंपाउंड नहीं आता एग्जाम में। हाँ कभी कभी आ जाता है पोटेशियम के जो एलम्स वगैरह होते हैं, बट वो हम लोग प्रॉब्लम्स में जितने क्वेश्चन हो तो नहीं करेंगे। ओके, ज्यादा नहीं करना, बिकॉज इनऑर्गेनिक यही तो होता है बेटा, इनऑर्गेनिक में आप कितना ही पढ़ो कम पड़ जाने वाला है।